जनपद बिजनौर यूपी के चांदपुर में पुलिस ने 7 बाइकों सहित 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चांदपुर में थाना कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम दतिया रोड पर ग्राम सेंथवार के जंगल में सर्वोदय कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पास एक खंडहर मकान में कुछ बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल सहित मौजूद है, जिस पर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने अपने साथ सब इंस्पेक्टर पवन वीर सिंह, आस मोहम्मद अमरदीप कथा सुनी राम रंगा सोमवीर सिंह तथा सुमित कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर छापामार गल कार्यवाही की। मौके पर मौजूद बाइक चोरों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग दी। पुलिस द्वारा बचाव करते हुए पुलिस 7 बाइकों के साथ एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा 1 चाकू सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए चोरों से पूछताछ की गई तो सोनू पुत्र ओम प्रकाश चंद्रशेखर पुत्र डालचंद निवासी लोहारपुरा कथा संदीप पुत्र विकास पाल ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर निवासी बताया। पुलिस ने पकड़े गए तीनों बदमाशों को चालान कर जेल भेज दिया। डेली इंडिया न्यूज के लिए शमशाद सैफी की रिपोर्ट। कैसे पकड़ी? कस्बा चांदपुर में 3-4 महीने से बाइक चोरी हो रही थी, विशेषकर जो है नफीस का जो हॉस्पिटल है उसके आसपास से। तो हमें मकबिर से सूचना मिली कि एक बाइक चोरों का गिरोह, जिसमें जो है ये सोनू है, चंद्रशेखर है और संदीप, आपस में ये रिश्तेदार भी है। तो ये मोटरसाइकिल चोरी करके अपना इकट्ठी कर रखी थी उन्होंने और बेचने के फिराक में थे। मकबिर द्वारा सूचना मिली तो ये दतियाना रोड पर एक खंडर मकान में ये कल शाम तीनों जो है इकट्ठा थे और इनके पास में 7 बाइक थी। ये जो है पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करा और जो है पुलिस ने अपना बचाव करते हुए ना तीनों को मौके से पकड़ लिया और इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद करी जो चांदपुर से चोरी की है।